अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सास बहू का तड़का। मेरा नाम है मेहना जैब। तो वेस आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार किस्म का इंडियन बटर हांडी। तो आइए चलते हैं झटपट से रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करेंगे, उसके लिए एक बाउल में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्चें, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच धनिया, ये सब टीस्पून है, और आधा कप हम इसमें डालेंगे दही। ये हम 1 किलो चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बोनलेस चिकन डालेंगे 1 किलो। ये हमने हांडी कट करवाया है, बोटियां बहुत छोटी नहीं रखनी। मसाले को अच्छे तरीके से बोटियों पे कोट कर देंगे। और इन्हें कवर करके आधे घंटे के लिए तकरीबन हम रखेंगे। मिनिमम टाइम आधा घंटा है, बाकी आप जितना मर्जी वक्त रखें। एक पैन में 1/4 कप ऑयल लेंगे, 3 मीडियम साइज प्याज लेंगे और उनको रफली चॉप्ड कर लेंगे, 7 या 8 लहसुन के जवे इसमें हम डालेंगे। प्याज और लहसुन को हम फ्राई करेंगे, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका कलर ब्राउन नहीं करना। जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगेगा हम इसे पैन से निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ग्राइंडर के जग में हम प्याज और लहसुन डालेंगे, 3 अदद टमाटर, अदरक का टुकड़ा ग्राइंडर में डालेंगे और आधा कप दही, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसी ऑयल में हम ये पेस्ट डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 अदद बे लीव्स, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। ग्रेवी को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और दूसरे पैन में मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल लिया, और अब मैं इसमें चिकन डाल के इसे गलने के लिए रख रही हूँ ताकि बोटियाँ अच्छे से गल जाएं। इसमें पानी नहीं डालना, अपने ही पानी में ये पकेगा। जी तकरीबन 7 मिनट बाद इसकी ये पोजीशन है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जी ग्रेवी अच्छी तरीके से भुन चुकी है और ये रेडी है, अब हम इसे साइड पर रख देंगे। जी चिकन गल चुका है, अब हम चिकन को फ्राई करेंगे, और फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो चिकन है उसकी बोटियाँ टूटे नहीं, वरना इसका टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ग्रेवी और चिकन बिल्कुल रेडी है, आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 कप क्रीम डालेंगे, और क्रीम हमने एक साथ नहीं डालनी बल्कि थोड़ी थोड़ी करके डालनी है 2-3 स्टेप्स में। तो ये आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको ग्रेवी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, इसमें पानी नहीं डालना, और फिर इसे 3 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो ये
फ्रेंड्स, मज़ेदार किस्म की इंडियन बटर हांडी तैयार है जो बहुत ही टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साझा जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो देखते रहिए सास बहू का तड़का।